दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको ONGC में आई वैकेंसी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ONGC के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले आपको ONGCIndia.com यहां पर टाइप करना है, तो इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको ये कैरियर में जाना है, जवाब नोटिस, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ONGC वर्क विद रिजल्ट, तो आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। जब आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस यहाँ सामने ओपन होगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको यह देख सकते हैं आप लोग, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव रेगुलर बेसिस वेस्टर्न सेक्टर गुजरात स्टेट एंड जोधपुर राजस्थान, ये इन दो पोस्ट इन गुजरात के लिए और जोधपुर के लिए है, अदर कंट्री के लिए ये वैकेंसी नहीं होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर ये ऊपर है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव रेगुलर बेसिस पोस्ट है ये, आप लोग यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद में ये जो है यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये राजस्थान खर्च के लिए है और ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ के लिए है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जब नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा ये यहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से आप ये पहले तो यहाँ देख लें, तो ये रेगुलर बेसिस एडवर्टाइज नंबर इतना इतना है, गुजरात स्टेट के लिए है, ये गुजरात स्टेट के लिए है, यहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट गुजरात से हैं वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये लेवल 2 लेवल 1 W1 इस तरह से तीन कैटेगरी में है, इसमें 301 लेवल 2 में है, 428 पोस्ट A1 में है और W1 में टोटल आठ पोस्ट है, टोटल मिलाकर के 737 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए है। उसके बाद आप मैं ले चलता हूँ आपको नीचे, यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ ये डिटेल फॉर पोस्ट ऑफ रिजर्व एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ दी हुई है, असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, ये आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और इसकी 9 वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद में A2 में है, A2 में जो पे स्केल है 12,000 से 27,000 है, इसमें असिस्टेंट टेक्निकल जो 3 साल का डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल यहाँ पर आपको 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इस तरह की ये काफी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, 1, 6, 3, 4 ये हर डिपार्टमेंट में पोस्ट है, हर उसके लिए आपका ब्रांच के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल है जिसमें वैकेंसी जिसमें जो पोस्ट है वो 11,000 से लेके और 24,000 तक है, इसमें ये केमिस्ट्री वालों के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री से होना चाहिए, इसमें आप ये असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 11 पोस्ट हैं, इसमें हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए, यहाँ पर ये ITI वालों की पोस्ट आ गई है, तो इसमें टोटल 76 पोस्ट इलेक्ट्रिकल ITI से हैं, 76 पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन डीजल, तो डीजल मैकेनिक से जो ITI किए हुए हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, उनके लिए 13 वैकेंसी हैं। अब जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन वो यहाँ हाई स्कूल पास होना चाहिए और फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए, यहाँ पर आप इसमें भी आपकी इसमें 100 सीटें हैं आपके लिए, और जूनियर सीमेंटिंग में आपकी 11 सीट हैं, इस तरह से फिटिंग में आपका 23 सीट हैं, तो ये काफी आप लोगों के लिए मौका है अच्छे से। वेल्डर की सीट यहाँ पर देख सकते हैं, वेल्डर की जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन वेल्डिंग 14 सीट हैं, हाई स्कूल पास, इक्विवेलेंट बोर्ड इक्विवेलेंट साइंस और ट्रेड सर्टिफिकेट इन वेल्डर ट्रेड, तो ये आप ITI लेवल की भी वैकेंसी है, डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है यहाँ पर, और आप काफी अच्छा वैकेंसी है ये, आप मोटर मैकेनिक के लिए है, जो मोटर मैकेनिक से ITI किए हुए हैं उनके लिए है, लेकिन इसमें आपका 3 ईयर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये रीगर के लिए है, ये नर्स, मतलब आप सारी चीजें इसमें देख सकते हैं, और इसमें सारा इसका डिटेल मैं आपको अपना नोटिफिकेशन में आपको दे दूंगा, तो इसमें आपको अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ देख सकते हैं, अगर एक कैंडिडेट
एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको ऑफर एक ही पोस्ट के लिए मिलेगा। एक पोस्ट में वो पास आउट होगा वहां उसको ऑफर मिलेगा। बाकी जो कैंडिडेट राजस्थान से हैं, ये आपको देखो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑनलाइन एप्लीकेशन, टाइम टू ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वही वक्त ही आपको आपका डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको उसका नंबर वगैरह कुछ लिखा जाएगा। तो इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स होगा आपका पेपर में वो 40% जनरल के लिए होगा, और कम के SC ST के लिए थोड़ा हो सकता है 30% हो। आप पूरा देख लेंगे इसमें। अब आगे मैं आगे बताता हूं आपको। ये उसका कुछ फिजिकल है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कुछ कितना लंबा है, कितना दूरी तय करनी है, कितने किलोमीटर का है। ये आपका फिजिकली इफिशियंसी मेल के लिए, ये फिजिकली इफिशियंसी फीमेल के लिए है, तो ये भी आप यहाँ से अपना देख सकते हैं। उसके बाद में ये आपका जो पेपर का जो दिया हुआ है यहाँ सारा देख सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं। अप्लाई लिंक भी नोटिफिकेशन में मैं आपको दे दूंगा, और ये भी लिंक आपको दे दूंगा। अब इसमें एज जो काउंट होगी आपकी 20/2 तक, आपका फॉर्म जो है 20/2 तक, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, यहाँ आप लास्ट डेट भर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम सेंटर, जो टेस्ट देने के लिए आप सेंटर चूज करेंगे, इनमें से सेंटर चूज कर सकते हैं आप। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वापी, भुज, गांधीनगर, राजकोट, भरूच और नवसारी और मेहसाणा, यहां से आप लोग चूज कर सकते हैं। एग्जाम की जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ये आपका मार्च के लास्ट वीक में होने की उम्मीद है। अभी डेट एक्चुअल में जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ONGCIndia.com पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो उसके बाद में आपको जो फोटोग्राफ है आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 10 KB से और 20 KB के बीच में होनी चाहिए। जनरल रजिस्ट्रेशन फीस जनरल OBC के लिए ₹370 है, और रजिस्ट्रेशन फी के प्लस बैंक चार्जेस ₹60 हैं, तो इसलिए 200 और GST मतलब 370 टोटल होता है। उसके बाद में आपको ये आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं पे करनी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होना चाहिए आपको, जो टेस्ट देंगे कम से कम 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होंगे उन्हें। और सिलेक्शन में मेथड जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद अब इसमें आपको बता दें, अब सिलेबस आपका 80% आपके सब्जेक्टिव होगा, और 20% में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ये होगा। तो 80 और 20 का रेशियो रहे, जैसे आगे बेल्डर से भर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन बेल्डर के होंगे, फिटर के भर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन फिटर के होंगे, बाकी GK, रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीजें सबके लिए एक जैसी होंगी। तो इस तरह से सिलेबस है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें जो कैंडिडेट अप्रेंटिस किए हुए हैं, जिन्होंने अप्रेंटिस पहले से किया हुआ है, उनको 5 नंबर का यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। थैंक यू।